सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबको भरोसा। तो पुरुष को भरोसा कैसे मिले, उस बाप को कैसे भरोसा मिले जिसका जवान बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आत्महत्या कर गया, सुसाइड कर गया। कैसे उस भाई को विश्वास मिले कि जब उसके बड़े भाई जेठ पर झूठे रेप के आरोप लगे तो वो मर गया। छोटे भाई को कैसे भरोसा मिले कि बड़े भाई पर केस लगा दिया गया, 498 के साथ 307 का भी केस दर्ज कर दिया गया और बड़े भाई का पासपोर्ट और वीजा नौकरी के लिए बाहर आने के लिए रुका पड़ा है। वो भारत में बेरोजगार बैठा है, विदेश की कंपनी बुला रही है, उसे तनख्वाह देने के लिए बैठी है, लेकिन केस 307 का उसे रोक लिया, बेरिया बन गई, चकल गया, वो बैठ गया, वो नहीं जा रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा माइंड से, या तो वो सुसाइड कर ले या पागल हो जाए या वो अपने भाई को मार डाले कि तेरी वजह से मैं फंस गया हूं इस केस में, झूठा, वो था भी नहीं वहां। तो इस तरह के ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। पत्नी को इतना ही कहता है, क्या बताएं साहब, हमारे बेटे बहू में थोड़ी अनबन हो गई थी इसलिए आत्महत्या कर ली। वो कहता है दोस्त तो थे लड़का लड़की बॉयफ्रेंड का, अब उस लड़की का नाम मत लो साहब, वो किसी घर की बेटी है, मेरा लड़का तो चला ही गया, अब वो तो वापस आएगा नहीं, अब किसी की बेटी को हमें नाम लेके FIR लेके पता के उसकी चिट्ठी तो लिखी है, लेटर तो है, मैसेज तो है, उस पर ये तो है, ये सब कुछ। एक पुरुष एक पति के साथ, एक बेटे के साथ जब बेटा दहेज पॉक्सो रेप में फंसता है तो उसकी माँ, उसकी दो अनमैरिड बहनें, उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी मौसी, उसकी नानी, उसकी दादी, सब तिहाड़ जेल और जेलों के खड़ी होती जाके मुलाकात करने के लिए, मेरे लल्ला को झूठा फंसा दिया, मेरे देवर को झूठा फंसा दिया। ये कहती है महिलाएं पीड़ित होती है उन्हीं का, तुरंत एक गलत महिला के लिए वजह से कितनी और महिलाएं दुखी होती है, परेशान। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कि आखिर पुरुष आयोग की मांग क्यों करनी पड़ी है, तो उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर सिंह, आपका लीगल रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए कि देश में तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा चलता है, ये बेटा बचाने की आपको कैसे सुध आ गई? देखिए, अब इसके माध्यम से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ ठीक है, लेकिन भारत का संविधान ये नहीं अनुमति देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनका संविधान और इस देश को इसका संविधान जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने अंगीकृत किया है, जिसके आधार पर हमारी देश की संसद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय चलता है, वो अब अनुमति नहीं देता है। सिर्फ ये आधा अधूरा नारा है। अब नारा कहता है बेटा बेटी एक समान, कहता है हमारा संविधान, इसमें अगर कोई कमी हो तो बताइए। बेटा बेटी जब सब जगह एक समान है, सबको समानता दी गई, एक अधिकार दिए गए, हर नौकरी में दिया गया, राजनीति में दिया गया, निकाय चुनाव में दिया गया, सभी जगह दिया जा रहा है, लगातार हर नौकरी में दिया जा रहा है, हर जगह एक्स्ट्रा ही दिया जा रहा है, तो फिर किस लिए? देश की महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रही हमारी आदरणीय माननीय महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला थी, वर्तमान में हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, तो इसके बावजूद देश के सर्वोच्च पदों पर है, फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आधी अधूरी है। बेटा बेटी एक समान, कहता है मेरा संविधान, पहली बात यह है। दूसरी बात, जब सब समानता का अधिकार दिया जा रहा है, सब समान है, हर जगह समानता है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, आर्मी हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, कोई एयरपोर्ट हो, किसी सर्विस में आप लीजिए, किसी में, सब जगह समानता, मेडिकल लाइन हो सब, तो इस आधार पर जब इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए CAW सेल है, महिला मंत्रालय है, सब कुछ महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुरुष को भी होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि आखिर पुरुष आयोग की जरूरत क्या है, मतलब कहां आपको लगा कि उनके उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, मैं उस पर पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब। पुरुष आयोग की इसलिए जरूरत है कि आज देश में 150 से 250 पुरुष, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, ये आंकड़ा है,
मैं आपको ये आंकड़ा देता हूँ और बाद में भेज भी दूंगा। अभी आपकी स्क्रीन पे आपके सम्मानित दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये आंकड़ा है 150 से 250 पुरुष, 150 से 250 पुरुष, वो बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, देवर जेठ हैं, सास ससुर हैं, ये पुरुष पुरुष हैं सब, ये आत्महत्या कर रहे हैं प्रतिदिन हमारे देश में, सुसाइड कर रहे हैं महिलाओं से, पत्नी से, गर्लफ्रेंड से, दोस्त से, ऑफिस की कर्मचारी से, बिजनेस में झूठे केस से, ये सब आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वालों में केवल एक किसी खास तबके का नहीं है, इस आत्महत्या करने के सिलसिले में आर्मी के टॉप ऑफिसर, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये हमारी सेना हो गई, पुलिस के टॉप ऑफिसर, आईपीएस, आईएएस, आत्महत्या करने में, ये हमारे पुलिस का सिस्टम, जुडिशरी में हमारे जजेस, अभी साकेत कोर्ट के माननीय जज साहब ने आत्महत्या की, ये जुडिशरी की बात, वकीलों की आत्महत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों की, मीडिया हाउसेस के लोगों आत्महत्या कर रहे हैं, देश की सर्वोच्च संसद है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां हमें न्याय और सब कुछ होता है, हमारे देश की बात को रखते हैं, सांसद हैं, हिमाचल के सांसद ने दिल्ली में आके आत्महत्या कर दी, ये बात हो गई। संतों की बात करें, जिन्हें सदगुरु, संत, महात्मा, धर्मगुरु कहते हैं, कि जिन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं झूठे केसों की नहीं कर रहा हूँ कि आशाराम बापू है या राम रहीम है या कितने, उनकी बात नहीं कर रहा महिलाओं से पीड़ित, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आत्महत्या करने वालों की, इनमें तो जिगरा था, ये मुकदमा झेल रहे हैं, लेकिन ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे दर्जा प्राप्त मंत्री की बात बता रहा हूँ जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ये मैंने 1967 से डाटा लिया और 2021 तक डाटा है, पुरुषों का डाटा का रेशियो ऐसे बढ़ता चला गया, वहां तक समान था, यहाँ तक तो बराबर था, ये आपका 1987, 89, 90, 91, 92 तक तो लगभग बराबर था, लेकिन उसके बाद यही बढ़ता चला गया। क्या एनसीआरबी ने ये बोला है सिंह साहब की आत्महत्या के कारण महिलाएं हैं? महिला पुरुष, पुरुष क्यों आत्महत्या कर रहा है? नहीं, पुरुष के आत्महत्या के कारण 20 कारण हो सकते हैं, 20 कारण हो सकते हैं जी। अब 20 कारण क्या हो सकते हैं? 20 कारण में से यही हो सकते हैं, यही होते हैं, बाप कहना नहीं चाहता कि उसका बेटा घर में, पत्नी को इतना ही कहता है, क्या बताएं साहब, हमारे बेटे बहू में थोड़ी अनबन हो गई थी इसलिए आत्महत्या कर ली। वो कहता है दोस्त तो थे, लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड था, अब उस लड़की का नाम मत लो साहब, वो किसी घर की बेटी है, मेरा लड़का तो चला ही गया, अब वो तो वापस आएगा नहीं, अब किसी की बेटी को हमें नाम लेके, FIR लेके, पता के, उसकी चिट्ठी तो लिखी है, लेटर तो है, मैसेज तो है, उस पर ये तो है, ये सब कुछ। अब तो आप ऑनलाइन के, आप तो बहुत बौद्धिक पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने कानों से सुनते हैं पहले केसेस को, तब उसके बाद करते हैं और बहुत बौद्धिक चर्चा करते हैं। आपने देखा है अब जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुरानी धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया, शादी के बाद अवैध संबंध अपराध नहीं है। ये जब ऐसे आदेश आए तो पुरुषों की आत्महत्या की संख्या बढ़ी, अवैध संबंध के लिए लोगों को लाइसेंस दी किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, महिला आयोग की आदरणीय मालीवाल जी कह रही हैं कि अवैध संबंध के लिए लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा है, व्यभिचार अपराध नहीं रह गया है अब इस देश में, तो इसलिए अब पुरुषों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ये संख्या बढ़ती है, वो चुपचाप सुसाइड करता है, वो अपने रिवॉल्वर से गोली मारता है, वो जहर खाता है, वो छत से कूदता है, वो ट्रेन से कटता है, वो फांसी लगाता है, वो बिजली करंट से मरता है, ये सारी चीजें बहुत तेजी से। सबसे ज्यादा मुझे बताइए सिंह साहब, सबसे ज्यादा आपके पास, चूंकि आप तो जंतर मंतर पे ही आप आ गए, अदालत से निकल के और सड़क पे अगर वकील आ जाता है तो निश्चित रूप से कोई कारण होता है, मैं मानता हूं उस कारण का। मुझे ये बताइए कि किस तरह के केसेस में आपको, मतलब डेफिनेटली जब आप गए होंगे पुरुष आयोग की मांग को लेकर, तो किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके सामने? ये केसेस जो आ रहे हैं, कारण पता क्या, आपको, आपने अपनी ओपनिंग में कहा 498 दहेज मारपीट, अब इन्हीं झूठे केसों की वजह से
आपने देखा 498 ये 496 को लिबरल किया गया, उसमें छूट दी गई तो लोगों ने उसे 307 बनाना शुरू किया। 498 406 के साथ 307 लगा दो, 377 लगा दो, ससुर पर 376 लगा दो, ये इस तरफ बढ़ना शुरू किया। झुंका यहाँ पे शुरू हुआ, पहले वहां तक था, अंबानी अदालत को लगा और अर्नेस्ट के जजमेंट आया, गाइडलाइन आई गई, उसमें ये बड़ी अरेस्टिंग नहीं, हाँ करेक्ट अरेस्टिंग, इस तरह तो दूसरी धाराओं का प्रयोग होने लगा, मिसयूज होने लगा। आपने इन चीजों को देखा, लड़की जाती है, बेटी जाती है, किसी की बेटी है, हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, वो किसी घर में जाती न्याय के लिए। अगर कोर्ट में जब केस होता है न्याय के लिए, क्या सेटलमेंट होना, क्या कई लाख रुपए में फैसला होना, क्या न्याय है? क्या न्याय उसे कोर्ट से मिलता है? न्याय नहीं मिलता है, सौदेबाजी होती है, जो जहां तक उसका सेटलमेंट कर ले, जो जहां तक लेन देन कर ले, जो जैसे जहां तक आ जाए, खरीद फरोख्त हो जाए, वो न्याय नहीं है। न्याय तो ये होता है अगर एक बेटी को साथ प्रताड़ना की गई तो उसके ससुराल वालों को दंड तो होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कन्विक्ट होना चाहिए, वो न्याय है, ना कि पैसे से सेटलमेंट होना चाहिए। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।